नमस्ते, मेरा नाम शिवम है। ये न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। देश में इन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई, यानी कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास हो गया है। अब शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए की सरकार इस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराकर कानून बनाएगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी, एक देश एक चुनाव देश के लिए क्यों जरूरी है। बीजेपी जहां इसे जरूरी बता रही है, खर्चे कम करने की बात कह रही है, चुनावी खर्चे कम करने की, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर एग्रेसिव मोड में है। विपक्ष को तमाम सारी खामी इसमें नजर आ रही हैं, संविधान को खतरे में बताया जा रहा है, तमाम सारी बातें कही जा रही हैं। अनुकंपा मेरी सहयोगी में ज्वाइन कर रही हैं, मेरी अनुकंपा हमारे साथ हैं। अनुकंपा, एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि एक देश एक चुनाव से जो सरकारी खर्चा चुनाव में आता है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो खर्चा होता है वो कम होगा। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में एक देश एक चुनाव की बात चल रही हो। अगर हम देखें कि आजादी के बाद से 1951 में जब पहली बार देश में चुनाव हुआ था, तो वो सारे विधानसभाओं में और जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो एक साथ ही हुआ था 51 से 52 में। फिर उसके बाद जो दूसरा हुआ 1957 में, वो भी एक साथ हुआ। 1962 में एक साथ हुआ, 1967 में एक साथ हुआ। फिर उसके बाद जब जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें जब समय से पहले ही जो सरकार भंग होने लगी, उसके बाद से जो ये चेन थी वो कह सकते हैं कि टूट गई बीच में। उसके बाद से अलग अलग टाइमिंग्स पर जो चुनाव होने लगे अलग अलग राज्यों में, लोकसभा का चुनाव भी अलग अलग हो गया। और फिर उसके बाद 1983 में जब ये चेन टूट गई, जब अलग अलग विधानसभाओं में अलग चुनाव होने लग गया अलग समय पे, जब लोकसभा में अलग अलग होने लग गया, फिर उसके बाद 1983 में भी इसकी मांग उठी कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। उस टाइम पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम पर कहा गया था कि एक साथ पूरे देश में चुनाव होना चाहिए विधानसभाओं में। लेकिन ये मांग पिछले काफी समय से अब गूंज पकड़ने लगी, और 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, और ये वादा किया था देश की जनता से कि अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है तो एक देश एक चुनाव कराया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की गई थी। प्रधानमंत्री लगातार अपने चुनावी दौरों में, चुनावी भाषणों में मंच से इस बात को कई बार कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है, जरूरी है। लेकिन सवाल यही है कि कितना जरूरी है और विपक्ष को क्या खामी है। विपक्ष को खामी सबसे पहले डर यह सता रहा है कि इससे एक देश एक चुनाव से जो क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। अब अस्तित्व कैसे खत्म हो जाएगा, इसकी बारीकी को भी आपको समझाते हैं अनुकंपा। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे। हमने देखा है कि विधानसभा के चुनावों में क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, रीजनल इश्यूज रहते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो हावी रहते हैं। हमने राम मंदिर का मुद्दा भी देखा, हमने ओपीएस का मुद्दा भी देखा। एक तरफ राष्ट्रीय मुद्दा था, एक तरफ क्षेत्रीय मुद्दा था। तो विपक्ष को इस चीज का डर है, उनका एक कंसर्न मुझे लगता है कि अनुकंपा वाजिब भी है कि क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे एक साथ हावी भी नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग रहने चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, और जिस तरह से देखा जाए कि सरकार जो है इस कानून को लाने के बाद जो कह रही है कि उसमें उसका पक्ष क्या है, तर्क क्या दे रही है इसके पीछे कि क्या तर्क है, एक साथ देश में चुनाव, उसके पीछे तर्क क्या है कि चुनावी खर्चा बचेगा और जितना भी होगा चुनावी खर्चा बचेगा ही बचेगा। उसके बाद जो सरकार है वो बिना रुकावट के जो कार्य कर सकेगी। हाँ, और सबसे बड़ी चुनौती, हालांकि सरकार कह रही है कि हम इसको लोकसभा राज्यसभा में पास करा देंगे, लेकिन एनडीए के पास अभी बहुमत का आंकड़ा जो है जो 300 से भी कम है, और इसके लिए 361 का बहुमत चाहिए लोकसभा में, 543 में से पास करना है। तो हालांकि सोचेगा कि कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है लोकसभा राज्यसभा में। इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं में, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से भी, यानी कि 28 देश में प्रदेश हैं, 28 में से 19 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एनडीए की सरकार है, बाकी के बचे 9 से 10 प्रदेश उनमें एनडीए की सरकार नहीं है। तो आधी विधानसभाओं की यानी कि आधे राज्यों की मंजूरी लेना भी जरूरी है इसमें। अब ऐसे में सवाल यह है कि चलो मंजूरी तो मिल जाएगी क्योंकि राज्य की विधानसभाओं में मेजोरिटी एनडीए की ठीक ठाक है, लेकिन लोकसभा में मेजोरिटी कहां से आ पाएगी। हालांकि 70 से 72 दलों से पूछताछ की गई थी जब एक देश एक चुनाव को लेकर कोविंद कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, तो उसमें से तकरीबन 47 जो दल हैं उन्होंने इसका समर्थन किया, 15 लोगों ने इसे डिक्लेयर कर दिया या कुछ नहीं कहा, ये कह सकते हैं तो सरकार की भाषा में। तो एक देश एक चुनाव का जो फॉर्मूला है इसे 100 दिन में के अंदर लागू किया जाना होगा। पहले चरण में तो लोकसभा का और राज्यसभा राज्य की विधानसभाओं का चुनाव, और दूसरे चरण में यानी कि 100 दिन के भीतर पंचायत और निकाय चुनाव भी करना जरूरी होगा। जरा इसको भी समझ लीजिए। दरअसल इसके लिए अलग से कोविंद कमेटी ने क्लॉज तैयार किया है,
तकरीबन 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाई गई है जो कि राष्ट्रपति को मार्च के महीने में सौंप दी गई थी, जिसे हाल ही के दिनों में दो दिन पहले हरी झंडी केंद्रीय कैबिनेट ने दी। लेकिन 100 दिन के अंदर चुनाव, अब ऐसे में सरकार कह रही है कि अगर 100 दिन के अंदर इसमें चुनाव होंगे तो वोटर आईडी कार्ड एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा के राज्य की विधानसभाओं के लिए या लोकसभा के लिए या पंचायत चुनाव के लिए निकाय चुनाव के लिए अलग वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता हो। लेकिन सवाल वही है कि क्षेत्रीय दल वर्सेस नेशनल जो पार्टीज हैं वो उनको अपने अलग मुद्दे खत्म होने का डर है, उनको डर है कि हमारा प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कई सारे पहलू हैं जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है। एक देश एक चुनाव क्या वाकई में देश की इस वक्त जरूरत है? क्या कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये तानाशाही है, मोदी सरकार हमेशा रहना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभुत्व कायम करना चाहती है, इसलिए एक देश एक चुनाव की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि मोदी सरकार 3.0 में ही एक देश एक चुनाव के इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। हालांकि जब अश्विनी वैष्णव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर सवाल किया गया था तो अश्विनी वैष्णव ने इस पर चुप्पी साधी थी, उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसे लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए लागू किया जाएगा, अब राज्यसभा में लोकसभा में पारित होगा, प्रस्ताव पास होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये सारी चीजें ठीक है। जब पारित हो जाएगा उसके पास ये सवाल ये भी है, जब महिला वाला जो एक विधेयक आया था उस टाइम पर पास हो गया था, पारित हो गया था राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, उसके बाद अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट होने के लिए कहते हैं कि 2029 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा या फिर उससे जो अगले चुनाव होंगे उसमें इम्प्लीमेंट होगा। तो देखना होगा कि जिस तरह से जो महिला का विधेयक आया था उसी तरह से क्या अब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है राज्यसभा में लोकसभा में पास हो जाता है, फिर उसके बाद ये कितने दिनों में इम्प्लीमेंट होगा ये देखना भी एक बहुत बड़ी। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो सरकार के पास चुनौतियां भी अनगुंबा बहुत सारी होंगी। अभी तो हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेप्स में चुनाव होते हैं, पहले राजस्थान के हो रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश के हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हो रहे हैं, तेलंगाना के हो रहे हैं, तो अलग अलग तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। क्या केंद्र सरकार के पास इतने पर्याप्त तादाद में सशस्त्र बल हैं कि वो एक साथ पूरे देश में डिप्लॉय कर सकें ताकि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो? मैन पावर की कमी होगी, ईवीएम मशीन है, क्या हमारे पास ईवीएम मशीन इतनी है कि एक देश एक चुनाव का जो ब्लूप्रिंट सरकार ने अपने पास तैयार किया है वो हो? इतना सारा खर्च एक बार में करना है, इतना सारा पैसा, पहले स्टेप्स पे टुकड़ों में पैसा खर्च होता था चुनावों में, लेकिन हालांकि पैसा कम खर्च होगा 5-6 सालों की अपेक्षा अगर माने तो, लेकिन एक साथ इतना मोटा फंड जुटाना क्या राजनीतिक दलों के पास होगा? ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव होता है तो इसमें जनता की राय क्या है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि ये देश के लिए कितना फायदेमंद है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।